तो दोस्तों देखिए ये शबनम का घर है और देखिए दीवालों पर आज भी निशान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं आसान तरीके से देख सकते। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है शबनम की वह हवेली यानी वह घर जिस घर में दोस्तों 2008 में लगभग नरसंहार हुआ था और दोस्तों जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। आज भी उस घर में दीवालों पर है दोस्तों बड़े बड़े निशान धब्बे आज भी दिखाई देते हैं वह निशान, जिन निशानों को देख कर हर किसी को याद आ जाती है 2008 की वह रात। हाँ दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बताने से पहले पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों आज भी है शबनम के घर की दीवालों पर निशान। हाँ दोस्तों सच में बहुत बड़ी जानकारी जांच पड़ताल लेकर आए आपके सामने। दोस्तों जब कमरे के अंदर गए तो पता चला कि आज भी वह 13 साल पुरानी खटिया पड़ी हुई है और कुछ खटिया टूट चुकी हैं और कुछ सही रखी हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। हालांकि उन खटियाओं पर कोई सो नहीं सकता क्योंकि टूट जाएंगे, क्योंकि 13 साल बहुत होती हैं। दोस्तों शबनम के पूरे घर की जो वीडियो बनाकर लाए हैं दोस्तों सच में चौंकाने वाला है। तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जो वीडियो शबनम के घर का है। तो भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना क्योंकि इसमें शबनम का हुआ घर है जिसे आप लगभग 13 साल बाद देखने वाले हो, यानी आज जैसा कि 2021 है तो 2021 में भी क्या क्या दिखाई देता है उस घर में जिस घर में 2008 में ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। तो पहले आप इस वीडियो को देख। तो दोस्तों देखिए ये शबनम का घर है और देखिए दीवालों पर आज भी निशान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं आसान तरीके से देख सकते हैं दीवालों पर बे निशान जो कि आज से 13 साल पुराने हैं, लगभग 13 साल पुराने, 14 साल पुराने। तो दोस्तों चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्या है भाई दीवालों पर तो बहुत सारे निशान बने हुए हैं, आज भी धब्बे लगे हुए हैं। और चलो हम इस हॉल में जाकर देखते हैं। दोस्तों ये हॉल वही है, यहीं पर पूरी फैमिली सो रही थी, आप खटिया बहुत ही आसान तरीका से देख सकते हैं। तो हम चलो इस हॉल की और जांच पड़ताल करते हैं। यह दोस्तों बालकनी है जहां से दोस्तों एकदम हवेली है पूरी। और दोस्तों यह हुआ कमरा है और ये वो कपड़े हैं जो कपड़े बिछे हुए थे खटियों पर। हाँ दोस्तों आज भी इन कपड़ों पर धब्बे हैं और आसान तरीके से देख सकते हैं। वो रूम है जिस रूम में शबनम के भाई और भाभी और बच्चा सो रहा था। चलो हम आगे इस हॉल में जाकर देखते हैं। दोस्तों ये हॉल है शबनम का। हाँ इस कमरे में शबनम रहती थी और चलो इस कमरे में भी देखते हैं क्या है इस कमरे में। और यहाँ पर हमें दिखाई देती है एक तस्वीर सामने दीवार पर। दोस्तों यह तस्वीर किसी और ने नहीं बनाई, ना ही मार्केट से लाई, बल्कि शबनम ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो आप जान ही सकते हैं थोड़ी कलाकारी तो उसे भी आती थी। दोस्तों ये तस्वीर है जो आप दिखाई दे रही है दीवार पर जो कि पूरी फैमिली की है, शबनम के पिताजी पूरी फैमिली की यह तस्वीर है। तो चलो हम देखते हैं। और वही ये खटिया हुआ खटिया है, आप देख सकते हैं यह अलमारी है जो कि एकदम खाली पड़ी हुई क्योंकि 13 साल से किसी ने इसमें सामान नहीं रखा। ये वो खटिया है जो कि 13 साल पुरानी है, इस खटिये पर फैमिली सोती थी लेकिन आज यह टूट चुकी है। चलो हम और आगे देखते हैं भाई इसमें क्या है। देखिए शीशे के अंदर भी कुछ थोड़ा सा सामान रखा हुआ है लेकिन यह पूरा कमरा एकदम ब्लैंक है क्योंकि 13 साल से कोई नहीं रहा, एकदम दोस्तों ब्लैंक है पूरा रूम। और चलो हम और आगे देखते हैं क्या हाल है यहाँ पर। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि बिना आदमियों के, बिना व्यक्तियों के, बिना सदस्यों के घर कैसा लगता है। हाँ दोस्तों एकदम भूत बंगला की तरह लगता है। लेकिन दोस्तों यह हवेली वो हवेली है जो कि शबनम की थी। दोस्तों ये देखिए यहाँ बालकनी में खड़े होकर बाहर का नजारा ऐसा दिखाई देता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपने अच्छे तरीका से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि लगभग 2008 से अब तक जहाँ पर खटिया पड़ी हुई है यानी शबनम के उस हवेली में, उस घर में जिस रूम में शबनम रहती थी उस रूम का क्या नजरिया है, जिस हॉल में शबनम की पूरी फैमिली सोती थी उस हॉल का क्या नजरिया है दोस्तों आप जान ही सकते हैं। और जिस कमरे में शबनम के भाई भाभी और बच्चे सोते थे उस कमरे का क्या नजरिया है। दोस्तों सच में हर किसी को यह दृश्य देखने को नहीं मिलते लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखाने की कोशिश
कोशिश की है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर जरूर करना है, क्योंकि भाई जो भी मैं जानकारी लाता हूँ वह दोस्तों आप शेयर कर दिया करो। और सच में एकदम यूनिक जानकारी लेकर आया हूँ, एकदम हटके जानकारी जो कि हर किसी को पसंद आती है। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।